ट्रायल के दौरान देखा, उसने INS एग्ज़ाम दिया, आर्मी का एग्ज़ाम दिया, वो पास किया, उसमें क्लरिकल ग्रेड था, उसमें पास किया, तब उसका राइट हैंड तोड़ दिया गया, उसके बाद उसे स्लो पॉइजन दिया गया। तो जेल में, जेल मैं ये नहीं कह रहा कि जेल अधिकारी उसे मार डालना चाहते, मैं इस पर ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जेल अधिकारियों और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन तिहाड़ जेल आती है, उनका कर्तव्य है, वो ड्यूटी बाउंड हैं, जो कन्विक्ट हैं, जिनका ट्रायल चल रहा है इतने सेंसेशनल मैटर में, उनकी जान की सुरक्षा करना, वो सुरक्षा नहीं हो पा रही है। प्रशासन की नाकामी है, वहाँ के स्टाफ की नाकामी है। जब हम वहाँ पे जाते हैं, जब यहाँ पे कुछ नहीं हमारे पास रहता है, सब दिखाते हैं कि ये जांच करो, वो जांच करो, तो दवाई की गोली गई कहाँ से? और बिना ऐसा कर नहीं सकता, बिना कभी ऐसा मरने का कोशिश नहीं किया। वो सुसाइड किया है, करने की कोशिश किया है। मैं तो अगर वो भी एक मर गया, दूसरा ये भी मर जाता तो मुझे तसल्ली होती कि कम से कम एक पापी से धरती का बोझ हल्का हुआ। लेकिन ये सब हमारे कानून व्यवस्था का ढीलापन का संकेत है। कोर्ट कुछ भी सजा दे, लेकिन उनको कुदरत से सजा जरूर मिलेगी। वो अपने कर्मों, जो कर्म किए हैं, उनसे ही वही कर्म उनको जीने नहीं देगा।